क्या आजमगढ़ में हार जाएगी बीजेपी? लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स के शॉकिंग रुझान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या उसके लिए तैयार है बीजेपी? वेल, 2024 के इस इलेक्शन के रिजल्ट्स अब सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही है। टाइम टू टाइम नए नए रुझान देखकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे, ये सिलसिला बरकरार है। सुबह से ही ऐसा होता आ रहा है। अब ऐसे में यूपी के पूर्वांचल की सबसे इंपॉर्टेंट सीट में शामिल आजमगढ़ फिलहाल वीआईपी सीट बनी हुई है। इस समय समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव इस सीट से आगे चल रहे हैं और वहीं बीजेपी के स्टार उम्मीदवार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ पीछे चल रहे हैं। सुनकर आपको हैरानी काफ़ी ज़्यादा हुई होगी, लेकिन हाँ, रुझान यही कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट से 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव इस सीट पर विजेता बने थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव काफ़ी थोड़े से मार्जिन से यहाँ पर जीते थे। उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया था और फिर उसके बाद अब जब बारी आई है 2024 के लोकसभा इलेक्शन की, तो एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। रुझानों की गिनती यही बता रही है। आपको बता दें कि भाजपा के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है ये, क्योंकि आजमगढ़ जैसी इंपॉर्टेंट सीट पर हार शायद बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बात करें निरहुआ की, तो भाई उन्होंने अपने कैंपेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर अपनी रैली में हुजूम इकट्ठा किया, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाए, लोगों से वोट नहीं मिल पाए उन्हें। फिलहाल रुझान यही कह रहे हैं, लेकिन अंत में इंतज़ार रहेगा फाइनल रिजल्ट्स का। आजमगढ़ की ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट शुरुआत से ही रही है, लेकिन क्या इसकी इंपॉर्टेंस इसी तरह से बरकरार रहेगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि निरहुआ के साथ रैलीज़ में भोजपुरी एक्ट्रेसेस भी काफ़ी बार शामिल हुई हैं। फोटोज़ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर उन्होंने लगातार शेयर किए हैं। साथ ही निरहुआ की हार से उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनके फैंस चाहते थे कि वही विजेता बने, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जल्द ही अब लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट फाइनल अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह के रुझान देखने मिले उससे सच में लोगों का माथा चकरा गया है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।